से पहले भी आप सुभाष कुजूर जी के ऊपर एक आवेदन लगाए थे, उस पर क्या था? सुभाष कुजूर जी जो हैं मूलते हैं आदिवासी थे, ये कन्वर्ट होकर ईसाई बन गए, जो कि भारत संविधान में ईसाई एक अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक आदिवासी का लाभ नहीं ले सकता, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों से कह दिया है कि पुरखेती रीति रिवाज को जो नहीं मानता है उसका आदिवासी का लाभ नहीं ले सकता। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है कि बनते आदिवासी नौकरी के लिए हैं, धर्म ईसाई का अपना के रखे हैं, सुभाष कुजूर जी उसमें हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जी उड़ाई जा रही है। अरुण मंजी जी, जैसा कि आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो आपके जो जिले के प्रमुख SP हैं, क्या आपने उनके समक्ष आवेदन दिया है? नहीं, हम संभागीय मुखिया को मैंने आवेदन दे रखा, उस पर इंक्वायरी चालू है, और संभागीय मुखिया जी का कहना है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है CSP द्वारा जांच जारी है आपके आवेदन पर, तो उन्होंने सुभाष जी ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। अच्छा। मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज मैंने पहले से दे रखा है, और इस पर इंक्वायरी हो रही है, इसमें क्या साक्ष्य आएगी वो इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा, और सुभाष कुजूर जी वास्तविक आदिवासी हैं या ईसाई हैं वो तो जांच का विषय है, और जांच हो रहा है। इतना है 100% इनका जन्म संस्कार से लेके मरण संस्कार तक ईसाइयों का चर्चों में होता है, जिसमें शादी संस्कार और जन्म संस्कार सुभाष जी का चर्च में है। यदि आपको यहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगा IG ऑफिस से, तो नहीं, उसमें तो उसके खुला हुआ है, वो हाई कोर्ट याचिका दायर होंगे, जो ईसाई हैं अल्पसंख्यक हैं और जो आदिवासी हैं तो आदिवासी ही हैं, ये याचिका मैं हाई कोर्ट में लगाऊंगा, और पार्टी शासन को भी बनाऊंगा, और जो जो फर्जी तरह नौकरी कर रहे हैं वो भी पार्टी बनेंगे और हाईकोर्ट में जवाब देंगे। धन्यवाद।